हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स डेस्टिनेशन। दोस्तों ये एक रिव्यू वीडियो है फॉर एक स्ट्रैटेजी जो हम लोगों ने लास्ट ऑलमोस्ट 6 महीने पहले हमारे चैनल पे पब्लिश किया था। द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज टाटा की ताकत, टाटा स्टील। ओके, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स जहाँ पर आपको एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा कौन सा कैंडल पे आपको ट्रेड करना पड़ता है एंड उसके हिसाब से आप उस कैंडल पे ट्रेड करोगे। इस स्ट्रैटेजी के अनुसार टारगेट 1 जो बनता है वो 2 रुपए का होता है एंड टारगेट 2 आपका 1:1 ऑफ द कैंडल का होता है। टारगेट 3 आप ट्रेल करते हो टिल द एंड। ओके, बाय ट्रेलिंग आई मीन यू कैन डू एनी मेथड ऑफ ट्रेलिंग दैट यू वांट एट द ट्रेडर्स डेस्टिनेशन चैनल। व्हाट वी डू इज के हम लोग आप लोगों को 3-4 टेक्निक्स बताते हैं ट्रेल करने का। यू कैन फॉलो देम, यू कैन फॉलो योर ओन डिफाइंड मेथड ऑफ ट्रेलिंग एज वेल इफ़ यू हैव। सो फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट जो है एज पर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो एंड इट हैज़ बीन रियली अ गुड मंथ इन द मंथ ऑफ फेब। बट प्लीज़ दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने से पहले या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने से पहले जो भी हमारे चैनल में पब्लिश होता है, प्लीज़ रिस्क को खुद इवैल्यूएट कर लीजिएगा। उस पर देखिएगा कि कैसे आप उस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैसे आप उसको स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। उसका रिस्क को समझने के बाद उसके बाद ही आप इस पर ट्रेड लीजिए। दोस्तों हम लोग कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है, जो भी शेयर करते हैं दोज आर बेसिस आवर ऑब्जर्वेशन एंड बेसिस आवर एक्सपीरियंस ओनली। सो हेंस एवरी कंटेंट इन दिस आर फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो प्लीज़ इवैल्यूएट योर ओन रिस्क बिफोर पुटिंग इन योर रियल मनी। सो आ जाता हूँ मैं परफॉर्मेंस पे। इफ़ आई शो यू दिस टेबल यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू सी दैट जनवरी के महीने में मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसने दिया है इट वॉज अप टू लाइक 80 रुपीज प्लस। सेम इज़ द सेम फॉर फेब्रुवरी के मंथ भी। ओके, बट इन रियालिटी आपने कितना इसको अचीव कर पाया डिपेंडिंग ऑन टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 इज वॉट इट इज़ प्रोजेक्टेड ओवर ईयर। ओके, सो अभी तक का रिजल्ट ये है, आज 19 फेब का दिन था, आज 19 फेब तक अगर आपने इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से टारगेट 1 पे भी अगर आप पूरा का पूरा यू नो लाइक 100% बुकिंग कर लेते हैं, उसके हिसाब से आपने टारगेट 1 पे 18.55 रुपीस का प्रॉफिट किया है। अगर आप टारगेट 2 के लिए 100% आपका जो यू नो लाइक जो भी स्टेक्स है उसको रख देते हैं तो आपको 6.95 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने ट्रेलिंग किए है तो आपको 24.25 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये जो तीन चीज़ जो मैंने बोला है ये फॉरवर्ड ट्रेड में हुआ है। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर जिस दिन आपका टारगेट 2 जो है वहाँ तक प्राइस नहीं जाएगा, ऑन दोज डेज यू कैन एक्चुअली टेक अ रिवर्स ट्रेड। ओके, एंड अगर आपने रिवर्स ट्रेड लिया एंड इफ़ यू आर अ फॉलोअर ऑफ T1 विच इज़ T1 टारगेट, तो वहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट अराउंड इन द रिवर्स ट्रेड 0.6, T2 में अराउंड 8.7 एंड T3 में 31.1। सो इन शॉर्ट क्या है कि अगर आपने 100% आपका जितने भी स्टॉक्स है, से फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 शेयर्स लेके अगर इस पर ट्रेड करते हो डिपेंडिंग ऑन योर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन योर रूल ऑफ 5, तो उसके हिसाब से आपने अगर 100% पे बुकआउट किया तो अभी तक इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of Feb टू 19th of Feb आपने कुछ 19.15 रुपये का प्रॉफिट किया। अगर आपने टारगेट 2 को टारगेट करके ट्रेड करते हो तो आपने कुछ 15.65 रुपये का प्रॉफिट किया। अगर आप ट्रेल देखिए, जैसे बहुत सारे टेक्निक्स होता है, ओके, कि आप कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, कैसे अपने स्टैगर्ड वे में प्रॉफिट को रखोगे सो दैट आपका रिस्क जो है वो न्यूट्रलाइज रहे, जितना हो सके मिनिमम रहे। सो फॉर दैट रीज़न व्हाट यू कैन आल्सो डू इज यू कैन बुक सम 50% एट T1 एंड बुक 50% एट T2। इफ़ यू आर डूइंग दैट देन आपने अराउंड 17.40 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। अगर आपने 50% को T1 पे बुक किया एंड 50% को ट्रेल किया तो आपने 37 पॉइंट का प्रॉफिट किया। अगर आपने 100% ट्रेल किया तो 55 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। सिर्फ ट्रेलिंग का एक मेथड के हिसाब से मैंने ये बताया है कि 55 रुपीज़। सो लाइक दिस गाइज, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो दैट आई हैव पब्लिश्ड इन यूट्यूब आई रिपीटेडली से दिस सेम थिंग दैट एवरीथिंग इज राइट इन स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, कोई भी इंसान कोई भी स्ट्रैटेजी आपके सामने अगर पेश करता है उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको खुद को एनालाइज करना है कि उसको कैसे यूज करने से आपके लिए सूटेबल होगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जिसके जिनके पास टाइम की बहुत कमी है,
जिनके पास रेगुलरली एकदम कंटिन्यूसली बैठ के ये ट्रेड देखने की ज़रूरत नहीं है. फॉर दैट रीज़न इफ़ यू आर टेकिंग अ लिटिल हायर रिस्क एंड बाई टेकिंग अ लिटिल हायर रिस्क इफ़ यू आर बुकिंग आउट एट 1:1 ओके देन यू आर डूइंग अ गुड जॉब. इफ यू आर थिंकिंग दैट नहीं हम लोग मेरे पास टाइम तो है मैं ट्रेल कर सकूँगा बीच बीच में बिकॉज यू नो देर आर वेरियस ट्रेलिंग टेक्निक्स ओके आप 10 मिनट में ट्रेल कर सकते हो 5 मिनट में ट्रेल कर सकते हो आधा घंटे में ट्रेल कर सकते हो. सो से फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल दैट आई एम कोटिंग हियर इज इफ यू आर ट्रेलिंग इन अ 30 मिनट्स ऑफ हाइकेनाशी कैंडल ओके उस पर आप क्या करोगे हर आधा घंटा में आपको सिर्फ देखना है एनी वेज यू आर गेटिंग अ सिग्नल कैंडल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे. जैसे आपको सिग्नल कैंडल मिल रहा है मिलने के बाद आप उस पर एंट्री ले रहे हो उसके बाद हर हाफ एन आवर में आपको सिर्फ एक बार मोबाइल चेक करना है आपका स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है एंड इफ़ यू आर ओके विद द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन इट चॉइस इज योर्स. उसके हिसाब से अगर आपने ट्रेल किया तो आपको इतना मिल गया प्रॉफिट. ठीक है सो यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड गाइज. आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर मैंने बोल दिया या मेरे चैनल में कोई भी जो स्ट्रैटेजी है उसने पब्लिश करके ये बता दिया कि ये ऐसे आपको करना है मतलब हूबहू ऐसे ही करना है ओके अगेन द चॉइस इज योर्स इन दैट. इफ यू आर अ कॉन्सिस्टेंट फॉलोअर इफ यू आर अ स्टडी फॉलोअर ऑफ एनी गिवन स्ट्रैटेजी अगर आपका आदत ऐसा है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी को एकदम एज इट इज फॉलो करते हो देन प्लीज गो अहेड विद इट इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट. बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दैट देन अगेन यू हैव दैट फ्लेक्सीबिलिटी एंड फॉर दैट रीजन आई हैव शोन यू दिस कॉम्बिनेशंस. सिर्फ ये एक तीन टारगेट है उसको लेके इतने सारे डिफरेंट प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे. अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल का ट्रेडर हो दोस्तों ओके यही स्ट्रैटेजी यूज करके किसी ने बहुत पैसा कमा लिया यही स्ट्रैटेजी यूज करके किसी ने बहुत लॉस भी कर लिया. ठीक है व्हाई बिकॉज या तो वो कंसिस्टेंट नहीं थे या फिर उन्होंने रिस्क को सही तरह से इवैल्यूएट नहीं किया दैट इज लैक ऑफ नॉलेज लेके अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो उस पर आपको पता ही है क्या होने वाला है ओके दोस्तों. तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि हाउ इट एक्चुअली हैपेंड इन द चार्ट सो दैट इन रियल टाइम अगर आप देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि कैसा था ओके. सो आई एम टेकिंग यू टू दिस फायर्स प्लेटफॉर्म. एज यू ऑल नो दैट ट्रेडर्स डेस्टिनेशन इज द ऑफिशियल चैनल पार्टनर ऑफ फायर्स सिक्योरिटीज एंड ये जो है आपके सामने ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको. मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि दिखने में आप लोगों को भी थोड़ा आसानी हो. फेब्रुवरी का महीना अभी तक रिमेंड रियली फैंटास्टिक मंथ फॉर दिस स्ट्रैटेजी. इवन जैन का महीना भी इट वॉज रियली गुड. टोटल प्रॉफिट जो मिला था जैन के महीने में मैक्सिमम प्रॉफिट ओके आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द ट्रेलिंग और एनीथिंग मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट्स तक का मिला. फेब्रुवरी के महीने भी लगभग 80 पॉइंट्स प्लस प्रॉफिट हो गया. अभी वो 80 पॉइंट में से आपने कितना पॉइंट निकाला इस स्ट्रैटेजी में से वो आपके ऊपर है दोस्तों. ठीक है वी आर जस्ट अ गाइडिंग फोर्स वी आर जस्ट गाइडिंग यू टूवर्ड्स दिस डिरेक्शन वी आर गिविंग यू अ स्ट्रैटेजी यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. बाकी आपके खुद के नॉलेज खुद के लर्निंग के ऊपर है दोस्तों. ठीक है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के करते हैं कोई ट्रेंड लाइन देख के करते हैं कोई डिमांड एंड सप्लाई देख के करते हैं कोई इंडिकेटर देख के करते हैं. हज़ारों टेक्निक्स होता है अपना टारगेट सेट करने का एंड अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने का. ठीक है एंड देर इज़ नो राइट मेथड एंड नो रॉन्ग मेथड एंड दैट इज़ द रीज़न माई ड्यूटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू शो दैट हाउ गुड दिस स्ट्रैटेजी हैड परफॉर्म्ड कहाँ तक आप इसमें ले सकते थे. ठीक है रियलिटी में कहाँ तक लिया वो आपके ऊपर है. ये जो टेबल आप यहाँ पर देख रहे हो जनवरी के महीने में टोटल अगर आप देखोगे तो 81 पॉइंट्स तक आप यहाँ पर ले सकते थे. फेब्रुवरी के महीने में 81 पॉइंट्स अगेन 81.8 पॉइंट टिल 18th ऑफ फेब आप इसमें से बना सकते थे. लेकिन वंस अगेन आपने कितना बनाया वो आपके ऊपर है डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टाइल ऑफ ट्रेडर यू आर डिपेंडिंग ऑन व्हाट टेक्निक यू आर यूजिंग. फाइन सो लेट मी जस्ट टेक अ क्विक थिंग ऑन दिस. आपको दिखा देता हूँ फेब्रुवरी के कुछ दिनों का कैसे हुआ था सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली वर्क बिकॉज आई एम श्योर देयर विल बी वेरी मेनी न्यू पीपल. 6 महीना पहले मेरे इस चैनल पे बहुत कम लोग थे एंड हो सकता है कि मेनी ऑफ यू हैव नॉट नोटिस दिस स्ट्रैटेजी बट दिस इज वर्किंग रियली नाइस. आपको ये भी समझना है दोस्तों हर एक स्ट्रैटेजी हर महीने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लो चाहे आप
किसी का भी स्ट्रैटेजी ले लो, ठीक है। हर एक स्टॉक्स का एक मूवमेंट होता है एंड कुछ महीने, मान लीजिए महीने में, साल में अगर 8-10 महीना कोई भी स्टॉक अच्छा सा परफॉर्मेंस देता है, तब आपको उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम मुनाफा देता है, उसको बुक कर लेना चाहिए। उस मार्केट जब जब पैसा देता है उसको बुक करके अपने पास रख लेना चाहिए, बिकॉज देयर कैन बी सम 2-4 मंथ्स जहाँ पर आपको उतना प्रॉफिट ना मिले, या फिर हो सकता है कि कभी कभी 1 या 2 महीना आपका लॉस भी हो जाए। बट इफ़ यू आर अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, इफ़ यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 क्या है अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक रहेगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आप वो सब चीज़ों को फॉलो करके आप ट्रेड करते हो, सो इन दैट केस यू विल रिमेन प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे, ओके। सो गाइस, देखते हैं फरवरी में क्या हुआ था। एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ दिन बता दूंगा। मैंने इसको टाटा स्टील रॉकेट इसके लिए कहा बिकॉज ये काफ़ी शानदार परफॉर्म किया इन दिस मंथ फरवरी, अभी तक परफॉर्म करते जा रहे हैं। आई विश के ये ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। सो गाइज, देखिए एज पर द रूल आपको पहला कैंडल इग्नोर करना है, सेकंड कैंडल से 10th कैंडल तक देखना है कि कौन सा कैंडल है जो जिसका हाई एंड लो ब्रेक होता है। अभी देखिए सेकंड कैंडल का ही हाई एंड लो दोनों ब्रेक हो गया, तो अगला दिन आप क्या करोगे, अगला दिन आप सेकंड कैंडल के हिसाब से ट्रेड लोगे, ठीक है। सेकंड कैंडल का रेंज क्या है, कुछ लगभग 3.50 रुपये का है। टारगेट वन क्या है, टारगेट वन इज ऑफ 2 रुपीज, टारगेट टू इज ऑफ 1:1, एंड टारगेट थ्री इज ऑफ व्हाटएवर यू गो टिल यू ट्रेल, ठीक है। तो अभी देखिए आप ट्रेलिंग कैसे कर सकते हो, ट्रेलिंग करने का बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। मैं एक सिंपल सा टेक्निक आपको दिखाता हूँ जिसके हिसाब से मैंने मेरा टेबल पे जो पॉइंटर्स है वो डाला है, ठीक है। अगर आप 1 तारीख के दिन में इसमें ट्रेड किए होते, आपका एंट्री पॉइंट होता ओके, व्हाट वाज योर मैजिक कैंडल ऑफ द डे, सेकंड कैंडल वाज द मैजिक कैंडल ऑफ द डे, बिकॉज सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक किया था इस कैंडल ने, लो ब्रेक किया था अगला कैंडल ने, तो यहाँ पर आपने एंट्री लिया, ठीक है। मैं इस पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद आपका क्या काम है, टारगेट वन एंड टारगेट टू तो आपका अचीव हो गया। टारगेट वन अचीव होने के बाद से आपको ट्रेल करना शुरू करना है। तो एक सिंपल सा मेथड जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो है कि अगर हाइकिनशी मेथड को दिमाग में रख के आपने अगर ट्रेल किया होता तो आप कहाँ तक बुक किए होते प्रॉफिट, ठीक है। अगर हाइकिनशी मेथड के हिसाब से आपने इस दिन ट्रेल किए होते, मैं आपको मेरा टेबल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हाइकिनेशी हिसाब के 1 तारीख को अगर आपने ट्रेल किए होते तो आपका 3.50 रुपये का लॉस हो जाता, जहां पर एक्चुअली में ये प्रॉफिट दिया है। किसी दिन ये प्रॉफिट देगा, किसी दिन लॉस देगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये बात समझ के ही आपको उसका रिस्क लेके ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। बट विच एवर स्ट्रैटेजी यू फॉलो, विच एवर टेक्निक यू फॉलो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट स्ट्रैटेजी। अगर आप उस टेक्निक से कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो इन द लॉन्ग रन आप लॉस करोगे। चाहे वो लॉस दे या प्रॉफिट दे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट यस, ये आज काम नहीं किया, नो प्रॉब्लम, कल काम करेगा, ओके। अगर आप नॉर्मल फॉलो करते थे, इस दिन के दिन में क्या हुआ देखिए, गोइंग टू 1st of Feb, 2 रुपए का प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद आपका 3.5 रुपए का प्रॉफिट मिल गया, लेकिन आपको तो लॉस हो गया, ठीक है। आपका लॉस क्यों हुआ, बिकॉज आप क्या करते हो, द मोमेंट प्राइस गोज अबव 1:1, आप उसके हिसाब से ट्रेल कर सकते हो। देर आर वेरियस वेज ऑफ ट्रेलिंग गाइस, दिस इज जस्ट अ टेक्निक दैट आई एम शेयरिंग विद यू। दिस इज समथिंग विच आई से इन माय किंग कॉन्ग स्ट्रैटेजी ऑल्सो, कि जब आप किंग कॉन्ग स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते हो तो 10-10 मिनट का हाई कैनेशन में आप ट्रेल कर सकते हो, एंड आफ्टर अ डिजायर्ड पॉइंट ऑफ प्राइस पॉइंट यू कैन स्टार्ट दैट ट्रेलिंग मेथड, ओके। तो उसके हिसाब से मैं अगर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपने अगर इस पे हाई कैनेशन के हिसाब से ट्रेल किया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो पहले यहाँ पर गया, उसके बाद रिवर्स ट्रेड हुआ, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हो गया। सो बेसिकली द टोटल लॉस यू वुड हैव मेड इन दिस डे वाज ऑफ -3.5, ठीक है। व्हाई रिवर्स ट्रेड नहीं है इफ़ यू आर गोइंग बाय T1 एंड T2, बिकॉज अगर आपका टेक्निक में जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हो उसके टेक्निक के हिसाब से अगर आपको T2 अचीव हो जाता है, मतलब कैंडल का रेंज अगर आपको मिल जाता है, आप उस पर प्रॉफिट बुक कर लेते हो, देन यू आर नॉट सपोज टू टेक अ रिवर्स ट्रेड, फाइन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 4 तारीख, 4 तारीख को क्या हुआ था, अगले दिन ये देखिए, अगले दिन का जो भी कैंडल था, मैं जहाँ पर ये एरो डाला है दैट इज द सिग्नल कैंडल बेसिकली, यहाँ पर क्या हुआ, मैं बार्स पे कन्वर्ट कर देता हूँ।
चार तारीख के दिन में अगेन दिस वाज़ द सेकंड कैंडल ऑफ द डे व्हिच बिकेम योर मैजिक कैंडल। अभी सेकंड कैंडल का रेंज देख लीजिए 56 से 62, लगभग 6 रुपये 80 पैसा। तो 6 रुपये 80 पैसा का ये जो कैंडल है इसके हिसाब से आपने ट्रेड किया। नीचे की तरफ देखिए आपको प्रॉफिट 2 रुपये तक का ही मिला, ठीक है। व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल? 456 रुपीज। व्हाट इज द लो ऑफ द डे? 452 रुपीज, ठीक है, 4 रुपीज तक का आया। आपका सेकेंड टारगेट क्या होगा? जो आपका कैंडल का रेंज है वो होगा विच इज अराउंड हाई माइनस लो, अगर आप देखते हो तो इट इज अराउंड 6 रुपीज 80 पैसा। सो आपका टारगेट 2 जो है वो अचीव नहीं हुआ। इफ योर टारगेट 2 इज नॉट अचीव्ड, इफ यू हैव बुक्ड एट वट एवर एट रुपीज एट द टारगेट 1, देन यू कैन टेक अ रिवर्स ट्रेड ऑल्सो। चॉइस इज अगेन योर्स। अगर आपको एक प्रॉफिट देखने के बाद दूसरा ट्रेड नहीं लेना है देन यू आर वेरी गुड विद दैट, वही कंसिस्टेंटली कीजिए। उसके हिसाब से क्या हुआ देखिए, उसके हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट 2 रुपये एक साइड में दिया, 13.5 रुपये दूसरा साइड में दिया। लेकिन अगर आपने ट्रेलिंग मेथड के हिसाब से किए होते, ठीक है, तो आपको T1 के हिसाब से, अगर जो बंदा T1 को लेके खुश हो जाता है उनको 2 रुपये का प्रॉफिट मिला, जिनको T2 का लालच है उनको उस दिन 6 रुपये 80 पैसे का लॉस हुआ। जिन्होंने ट्रेल किया उन्होंने फॉरवर्ड ट्रेल में 0, उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन रिवर्स ट्रेड में उनको 13.50 रुपये का फुल प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक टेक्निक इज राइट, हर एक टेक्निक इज रॉन्ग। किसी दिन ये टेक्निक, ये जो 13.5 रुपये देने वाला जो टेक्निक है, पिछले वाले दिन जहां पर दूसरे लोगों को 3.5 रुपये मिला, उसी टेक्निक ने 3.5 रुपये का लॉस करवा दिया। लेकिन आज के दिन में जहां पर जो बंदा बैठा था T2 के लिए, ठीक है, जिनको कल के दिन में 3.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसी बंदे को आज के दिन में 6.80 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन ये जो ट्रेलिंग टेक्निक है इसने प्रॉफिट करवा दिया 13.5 रुपये का, ठीक है। अभी आप क्या बोल सकते हो, विच इज राइट विच इज रॉन्ग इन दिस? बोथ आर राइट एंड बोथ आर रॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन विच स्ट्रैटेजी यू आर फॉलोइंग एंड हाउ यू आर फॉलोइंग, आर यू फॉलोइंग इट विद कंसिस्टेंसी और नॉट, ओके, दैट इज द रूल ऑफ द गेम। आपको ये चीज समझना है। अगर आप मेरे चैनल के फॉलोअर्स हो, अगर आप मेरे ट्रेडर्स डेस्टिनेशन फोरम जो ग्रुप है उसमें हो, एंड मेरे जो फायर्स ग्रुप है उसमें हो, आप लोगों को पता है हम लोग किसी भी टाइप का, किसी भी तरीके का लेवल्स या फिर टिप्स शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग आपको टेक्निक्स सिखाते हैं, रियल टाइम मार्केट पे भी हम लोग पैटर्न्स दिखाते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन का जो मेथड्स होता है, जब भी हमें दिखता है, ऑब्जर्व कर पाते हैं हम लोग, वो बताते हैं। दोस्तों, वी आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स। आज के दिन में भी मैं ऑफिस गया हुआ था, मैं रहता कल्याण में हूँ, मेरा ऑफिस विक्रोली में है, ठीक है। ड्राइविंग डिस्टेंस इज 2 आवर्स 1 वे। मैं ऑफिस से 10 बजे निकला, लगभग 12 बजे के आसपास मैं घर पहुँचा, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप सबके लिए बनाऊँ, ठीक है। ये पैशन मेरे में है एंड ये पैशन आप लोगों में भी है, इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो एंड मेरे में है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ पैशन से नहीं होता है, पैशन के साथ आपको पेशेंस भी रखना है एंड परसिवियरेंस भी रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, ठीक है। सिर्फ ये 2 दिन का एग्जाम्पल, 1 तारीख और 4 तारीख इज इनफ। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, अगर आपके मन में ये भी कोई सवाल है कि भाई कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका है, अगर आप ये 2 दिन का एग्जाम्पल देखोगे अच्छे से, ध्यान से, दिमाग लगा के, आप समझ जाओगे, ओके। 4th of Feb का एग्जाम्पल मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कैसे 4th of Feb में जिस बंदे ने हाइकेनाशी के मेथड फॉलो किया उनको 0 का प्रोफिट हुआ इन द फर्स्ट ट्रेड एंड 13.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ इन द सेकेंड ट्रेड, ठीक है। तो दिस इज द बार दैट आई एम शोइंग यर, बार कैंडल व्हाट डजेंट मैटर, आप किसी भी टेक्निक में यूज कर सकते हो। आई एम शोइंग यू बार बिकॉज आप लोग मोबाइल हैंडसेट पर देख रहे हो बहुत सारे लोग, फॉर देम इट विल बी ईजी टू सी एंड इट विल बी क्वाइट विजिबल फॉर दैट रीजन, ठीक है। 4th of Feb को मैं कन्वर्ट करूंगा हाइकेनाशी में, आई एम गोइंग टू 4th of Feb। सो 4th of Feb के हिसाब से दिस वॉज द कैंडल, आपने एक साइड पे एंट्री ले लिया। पहले आपका कहाँ एंट्री मिला था? नीचे की तरफ एंट्री मिला था, आपने शॉर्ट किया था। शॉर्ट करने के बाद आपने देखा आपका 2 रुपये का टारगेट जो है, 2 रुपये का जो प्राइस जो है वहां तक पहुंच गया प्राइस। उसके बाद आप ट्रेल करने लगे, देखिए आप ट्रेल कर रहे हो, ट्रेल करते करते आपका ट्रेलिंग जब यहां तक आया तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। प्राइस क्या है? 457 रुपीज 20 पैसा, लगभग दिस वॉज द प्राइस इन विच यू हैड मेड अ शॉर्ट। एंड हेंस अगर आपने ट्रेलिंग मेथड 100% ट्रेलिंग मेथड के हिसाब से करते हो, या जो भी क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स, जो भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को आप ट्रेल करते हो, उस पर आपको 0% 0 रुपये का प्रॉफिट या लॉस जो भी है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। उसके बाद रिवर्स ट्रेड होता है एज पर द प्योर लॉजिक। अगर 2 रुपये तक टारगेट जाता है, 1:1 तक नहीं जाता है, यू आर सपोज टू टेक अ रिवर्स ट्रेड। यू हैव टेकन अ रिवर्स ट्रेड, यू हैव बीन ट्रेडिंग
ट्रेलिंग विद स्टॉप लॉस, आपने 30 मिनट का ही हाइक एनाशी के हिसाब से ट्रेल किया, 30 मिनट का हाइक एनाशी के हिसाब से ट्रेल करके 3:15 बजे तक, ये जो देखिए ये जो कैंडल है दिस इज अ 2:45 AM कैंडल, ओके सॉरी 2:45 PM कैंडल, सो 2:45 का कैंडल का एंड होता है 3:15, सो यू हैव गॉट द कंप्लीट रैली। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर था, आपका स्टॉप लॉस ये आधा घंटा के लिए इसके नीचे था, ठीक है, उसके अगले आधा घंटे के लिए इसके नीचे था, बट जब तक आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को रखा, बाय द टाइम द मार्केट एंडेड यू हैव गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ द मार्केट, ओके। एंड दिस इज व्हाई आई से दैट कंसिस्टेंसी पेस, अगर आप ये टेबल देखोगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन सा दिन में, जिस दिन में मान लीजिए देखिए यहाँ पर 8th of February हाइक एनाशी मेथड ने आपको 8.85 रुपीज का प्रॉफिट दिया, आई एम जस्ट टेकिंग यू टू 8th of February टू शो, जो भी मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके रखे है, अब आपने चार्ट्स में देखिए वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 6 तारीख देख लीजिए, 6 तारीख का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 6 तारीख को भी देखिए एक डायरेक्शन में 2.70 रुपए का लॉस, 2.70 रुपए का लॉस, रिवर्स ट्रेड में टारगेट 1 टारगेट 2 देने के बाद किसी ने ट्रेलिंग किया तो 17.20 रुपए का प्रॉफिट, लुक एट दिस रॉकेट, ठीक है। ये दिन नो ट्रेडिंग डे था, 8 तारीख का एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला था जहां पर 2.06 रुपए एंड 9.85 रुपए, अगेन इट्स अ सी वन डायरेक्शनल काइंड ऑफ अ मूव, जहां पर आप एक प्राइस के बाद 1:1 दैट इज 2 रुपए के बाद से आप ट्रेल करना शुरू करोगे, एंड उसके बाद से जैसे आप ट्रेल करोगे देखो एकदम क्लियर कट आपको एक अच्छा सा रैली मिला जहां पर आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी मिल गया आपको। अगला दिन देखिए क्या हुआ, अगला दिन भी बिल्कुल वही हुआ, 2 रुपए का टारगेट 1 टारगेट 2 वाज ऑफ 5.10 रुपए, 17 रुपीज तक आपको लेके गया, आप एकदम मार्केट के एंड तक थे, ठीक है। उसके अगले दिन अगेन उसके अगले दिन क्या हुआ देखिए, यहाँ पर रिवर्ट हो गया, तो आप जब ट्रेल करते हो ट्रेल करते टाइम आप रिवर्स हो सकते हो, आप आपका मेथड मन की मन मर्जी है कौन सा मेथड में करोगे, ठीक है। सो दिस डे ऑल्सो यू गॉट प्रॉफिट, एंड आप लोगों को देखिए आपके सामने है रिजल्ट, आपको दिख रहा है रैलीज जहाँ पर भी मैंने एरो डाल के रखा, दोज आर द डेज वेन यू हैव गॉट ब्यूटीफुल प्रॉफिट। ये है आज का दिन दोस्तों, आज है 19 तारीख, 19 तारीख के दिन अगर देखिए दोस्तों ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसको आप कैश में भी यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी यूज़ कर सकते हो। आज के दिन की खासियत यह है कि जिन लोगों ने आज ये स्ट्रैटेजी में टाटा स्टील टाटा की ताकत स्ट्रैटेजी को फ्यूचर्स में लिया था उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, बट ये पूरा जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ वो कैश का दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कैश का दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर आज के दिन का माइनस काउंट किया है, ठीक है। आज के दिन में देखिए क्या हुआ, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू कैंडल्स, आप देख लीजिए खुद के खुद देखेंगे आपके सामने रिजल्ट है, -3.5 हुआ है पहला ट्रेड में बिकॉज आपने एज पर द कैंडल देखिए कल का दिन का, आई एम अगेन कन्वर्टिंग इनटू बार, कल का दिन का मैजिक कैंडल, कल का दिन के हिसाब से मैजिक कैंडल वॉज द 3rd candle ऑफ द डे, दिस इज द 3rd candle ऑफ द डे विच बिकेम योर मैजिक कैंडल, मतलब आज का ये तीसरा कैंडल जो भी डिरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डिरेक्शन में आप ट्रेड लोगे, ये इस डिरेक्शन में ब्रेक किया था, ओके नीचे की तरफ ब्रेक किया था पहले, सो हेंस पीपल एंटर्ड इनटू दिस ट्रेड, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इट बिकेम अ स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद देखिए रिवर्स ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट दिया, व्हाट इज द हाई ऑफ दिस कैंडल, हाई ऑफ दिस कैंडल इज 470.65, एंड पूरा दिन का रेंज देखिए कहाँ तक गया, ये गया लगभग 480.6, मतलब 9.95 रुपए, ठीक है 9 रुपीज से भी प्लस आपको दिया है एक डिरेक्शन में, लेकिन ये 9 रुपीज में से कितना रुपीज आप लोगे, आपने बनाया वो आपके ऊपर है। आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस गाइस, दिस इज द सेम थिंग आई से इवन इन किंग कॉन्ग स्ट्रैटेजी, वेयर आई से दैट इन दिस स्ट्रैटेजी इट हैज द पोटेंशियल टू गिव यू अ प्रॉफिट अप टू 1:5, 1:10, 1:30, बट हाउ मच यू आर गेटिंग इट दैट इज योर पोटेंशियल, दैट इज नॉट द पोटेंशियल ऑफ द स्ट्रैटेजी, ओके। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर आपने -3.5 इधर गया तो +9, आज के दिन में जो भी टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाया उसके हिसाब से आपको कितना मिलता, देखिए -3.5 डेफिनेटली आपका लॉस हुआ, रिवर्स साइड में जो जो भी इंसान टारगेट 1 के लिए ट्रेड करते हैं उनको 2 रुपए मिल गया, उनका प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस जो है वो थोड़ा बहुत मिनिमाइज हुआ, T2 के लिए अगर ये ट्रेड करते हैं तो उनको 3.35 मिला, ठीक है। अभी देखिए ये तो समझने वाली बात है, अगर आप टारगेट 1 के लिए ट्रेड करते हो एंड अगर कैंडल का साइज जो होता है आपका टारगेट 1 से ज़्यादा होता है, सो डेफिनेटली इट डजंट मेक सेंस टेकिंग अ रिवर्स ट्रेड विद टारगेट 1 ओनली, बिकॉज यू विल एंड अप जस्ट मिनिमाइजिंग योर लॉस,
राइट। सो अगेन इट्स योर स्टाइल, इफ इट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल यू कैन डू। लेकिन जिसने आज टी टू के लिए ट्रेड किया उनको 3.35 का मिला, जिन्होंने आज ट्रेल किया ठीक है उनको क्या मिला? देखिए ये दिन ट्रेल किया तो 13.05 मिल गया, 50 पैसा मिल गया। इस दिन ट्रेल किया तो फुल मिल गया, इधर इस दिन भी फुल मिल गया, इस दिन भी फुल मिल गया, लेकिन आज क्या मिला? आज सिर्फ 80 पैसा मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपने क्या किया, आपने हाइकेनाशी के हिसाब से ट्रेल किया। आपका एंट्री प्राइस ये था, जहाँ पर मान लीजिए मैं ये येलो लाइन यहाँ पर पुट कर देता हूँ ठीक है, येलो लाइन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसके नीचे भी एक और येलो लाइन मैं पुट कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपका लॉस हो गया। पहले तो आपका जैसे ही लॉस हुआ, यहाँ पर तो ट्रेलिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, 100% लॉस, जो भी कैंडल का रेंज है -3.35। उसके बाद जैसे आपका टारगेट वन कितना है, 2 रुपये का है, तो 470.95 से 2 रुपये हो गया आपका 472.95 ठीक है। ये दूसरा वाला येलो लाइन मैंने यहाँ पर रखता हूँ ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फ्रॉम येलो टू ब्लू ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 रुपये टारगेट वाला लाइन। जैसे प्राइस 2 रुपये तक पहुँच जाएगा उसके बाद से आप ट्रेल करना शुरू करोगे फाइन। सो उसके बाद आप क्या करते हो, मान लीजिए आपको हाइकेनाशी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उसके बाद आपने क्या किया, प्राइस तो आपका यहीं पे पहुँच गया ठीक है। पहुँचने के बाद आपने एंट्री तो इधर लिया था, ये जो येलो पॉइंट है, जो नीचे वाला येलो पॉइंट है, सॉरी नीचे वाला येलो पॉइंट में तो आपका लॉस हो गया। ये वाला ब्लू लाइन जो है ठीक है, नीचे वाला ब्लू लाइन जो है, यहाँ से आपने एंट्री लिया, ऊपर वाला जो ब्लू लाइन है ये आपका 2 रुपये का टारगेट है। तो आपने अगर इसको हाइकेनाशी में अगर अभी देखोगे तो देखिए आपने एंट्री यहाँ पर लिया था, आपका जो टारगेट है, टारगेट जो है 2 रुपये वाला, 2 रुपये वाला टारगेट आपको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद आपने ट्रेल किया, तो यहाँ पर आपने ट्रेल किया, यहाँ पर आपने ट्रेल किया, यहाँ पर आपने ट्रेल किया, यहाँ पर आपने अपना कैंडल जो ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया, तो आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आपने ये जो ट्रेड है, सेकेंड जो ट्रेड है, उसमें कितना प्रॉफिट किया, मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ और ये वाला लाइन निकाल देता हूँ ठीक है। आपका ये एंट्री प्राइस था, ये आपका टारगेट था, मैं आप इसको बार में कन्वर्ट करता हूँ, 470.6 से 474.75, लगभग 4 रुपये 15 पैसा जितना आपका प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये 35 पैसा जितना आपका लॉस हुआ। सो हेंस आई हैव मार्क्ड इट एज जस्ट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 80 पैसा, ओके 80-90 पैसा जितना आपका कुछ प्रॉफिट हुआ। सो द टोटल प्रॉफिट आफ्टर ट्रेलिंग इज ऑफ 55.35 रुपीज़। अगर आपने 100% इसको ट्रेल किया, अगर आपने ब्रेकअप करके जैसे मैंने ऑलरेडी एक बार मेंशन कर दिया ऐसे किया, तो दिस इज द वेरियस मेथड ऑफ प्रॉफिट, आई मीन द वेरियस रेंज ऑफ प्रॉफिट यू वुड हैव मेड। जस्ट इमेजिन गाइज, ये जो स्टॉक है, ये जो टाटा स्टील है ठीक है, टाटा स्टील को अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, इफ़ योर मनी मैनेजमेंट इज अलाउिंग दैट ओके, देन यू विल सी टाटा स्टील इज ऑफ 1061 क्वान्टिटी, एक लॉट में 1061 होता है। अगर 1061 एक लॉट में होता है आज के दिन में, इतना 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपने 55 पॉइंट्स कमा लिया है। इट मीन्स योर नेट प्रॉफिट इज 55 मल्टीप्लाइड बाई दैट अमाउंट दैट आई शोड यू। ओके गाइज, थिंक इट योर सेल्फ गाइज ठीक है, खुद सोचिए, उसके बाद खुद समझिए एंड उसके बाद खुद ट्रेड कीजिए। That's all friends, it's been almost 1 am at night, so और ज़्यादा extend नहीं करूँगा। सोचा था शुरुआत में, मैंने बोला था एक short clip बनाऊँगा, but जैसे मैं बोलता गया एकदम दिल से बोल दिया जो भी कहना था। So I hope के this will be a fruitful video for you all, I hope this is going to answer many questions that you may having in your mind, okay? Guys, the Republic Day offer is still on. If any of you are interested in this futuristic beginner workshop, please enroll yourself. इसके हिसाब से हम लोग आपको King Kong strategy पे 1 महीने का access देते हैं, and at the same time we provide 2 high probability strategies for free. So that's all, guys. Wish you all happy learning and happy trading.